और इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय जांच करेगा। सीआरपीएफ डीजी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी के गठन भी किया जाएगा। कमेटी संसद की सुरक्षा में चूक की हर एंगल से जांच करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय अब एक्शन में आ गया है। सीआरपीएफ डीजी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है और इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच की जाएगी। तो संसद में सुरक्षा चूक के बाद गृह मंत्रालय एक्शन में आ गया है। सीआरपीएफ के डीजी यानीश दयाल की अगुवाई में मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई गई है ताकि ये पता किया जा सके कि सुरक्षा में चूक आखिर कैसे हुई है। संसद भवन सुरक्षा चूक मामले की जांच करने के लिए बनाई गई कमेटी में कई एक्सपर्ट भी शामिल हैं जो संसद की सुरक्षा में सेंध के कार्यों की जांच करेंगे। खामियों की पहचान की जाएगी और आगे की कार्रवाई की सिफारिश भी की जाएगी। इतना ही नहीं, कमेटी जल्द से जल्द संसद में सुरक्षा में सुधार के सुझावों सहित सिफारिशों के साथ अपनी एक रिपोर्ट भी सौंपेगी। इस बीच जानकारी मिल पा रही है कि सीआरपीएफ के पास संसद के बाहरी लेयर की सुरक्षा का जिम्मा है। हथियारों के साथ सीआरपीएफ जवान संसद भवन परिसर में मौजूद रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके कैसे चूक हुई इसका पता लगाया जाएगा।